बीजेपी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और अन्य पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्यों में कब करेंगे और ऐसी ही राहत कब मिलेगी? और यदि ये चुनावी शोषा है तो क्या 6 महीने बाद चुनाव है उसके लिए शोषा है आम आदमी पार्टी का? आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आपकी राय को भी इस परिचर्चा में शामिल किया जाएगा। आज इसी परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है याकूब सिद्दीकी जी, पूर्व राज्य मंत्री है और कांग्रेस के प्रवक्ता है। आपका बहुत स्वागत है याकूब सिद्दीकी जी। विशाल वर्मा जी हैं, संघ के प्रचारक हैं, संघ के प्रचारक नहीं, संघ के विचारक हैं, क्योंकि आपका बहुत स्वागत है। और उमा सिसोदिया हैं जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। बीजेपी को हमने बुलाया था लेकिन बीजेपी ने कहा हमारा ये मुद्दा है नहीं, ये तो दिल्ली की बात है, दिल्ली वाले ही जाने। लेकिन चलिए, बीजेपी भी और हम भी देश में रहते हैं और आज ये देश की बात है। मैं पहली टिप्पणी उमा जी आपसे करना चाहूंगा, क्या ये चुनावी शोषा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ये निर्णय लिया है कि गरीब जनता, आम जनता, हम आम आदमी पार्टी आम जनता की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, तो इससे बहुत बड़ी राहत आम जनता को मिलने वाली है। तो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और रही बात दूसरी की क्या ये चुनावी शोषा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमारे गवर्नमेंट 2014 में दिल्ली में बनी तो विद इन 1 month 2 months मेरे ख्याल से उससे भी कम टाइम में हम लोगों ने पानी बिल्कुल माफ कर दिया था। जैसा कि हम लोगों ने अपना नारा दिया था कि पानी माफ करेंगे और बिजली हाफ करेंगे, तो विद इन 15 days हम लोगों ने उस नारे को, जो हमने जो चुनावी वादा किया था उसको हमने पूरा किया था। और उसके बाद दिल्ली जल निगम, दिल्ली जल बोर्ड जो कि नेगेटिव चल रहा था, माइनस में चल रहा था, नुकसान में चल रहा था, उसके बाद वो लगभग 160 करोड़ से भी ज्यादा, मुझे एक्जेक्टली फिगर याद नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा वो फायदे में आया। तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी भी तरह का चुनावी शोषण है। हाँ, इतना जरूर है कि इसको करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे पूरे गवर्नमेंट को लगभग 4-4.5 साल का टाइम लगा। ऑब्वियसली उन्होंने लाइन लॉस की बात की कि हमने लाइन लॉस खत्म किया है या ट्रांसफार्मर ठीक किया है, तो ऑब्वियसली इन सब में टाइम लगता है। आप एकदम से इतना बड़ा डिसीजन, 150 करोड़ जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, लगभग 1.5 करोड़ लोग जो दिल्ली में बसे हुए हैं, एक ही आदमी तक बिजली पहुंचाना एक दिन का खेल नहीं था। 4.5 साल उनको इसमें लगे हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि चुनावी शोषण है। थोड़ा लेट जरूर ये डिसीजन हुआ है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन डिसीजन आम जनता के लिए खरीद लेता है। आम जनता के लिए निर्णय हो गया। आप वर्मा जी, जी संघ विचारक है, पूरे देश भर में आप काम करते हैं, जो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं अगर पूरे देश में हो जाए? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले जो एक मुद्दा होता था चुनाव आयोग का कि धन के लालच में या धन को देकर वोट खरीदना, अब उसका एक नया रूप हो गया है कि जनता को जनता के टैक्स के पैसे का लालच देना, ये बन गया है। दूसरी एक और बात, अभी ये कहा कि 4.5 साल में हमने बहुत सभी घरों में दिल्ली के अंदर बिजली पहुंचा दी। मैं उमाई से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई डाटा है कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं थे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कोई डाटा है कि केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो कितने घरों में बिजली नहीं थी? उससे पहले मेरे क्या था, क्या नहीं था? उससे पहले आप पूछो, उससे पहले जो आपने कहा उसका तो प्रति प्रश्न का जवाब दे दीजिए, जो आपने कहा कि चुनाव से पहले। हाँ, चुनाव से पहले अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप क्या सरकार से जोर किसान पेंशन जो थी, जो चुनाव से ठीक पहले दी गई थी, वो क्या था? 2000 रुपए किसान पेंशन को जो दी गई, आपने उसमें किसानों का, आप ही ने मीडिया ने बड़ा मुद्दा बना रखा था किसान आत्महत्या का, उसमें कुछ ना कुछ सरकार ने देने की कोशिश करी। आप बताइए ना कि बिजली के मुद्दे पर क्या कोई ऐसा जन आंदोलन का मुद्दा हो रहा है कि जो देश को बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है या इस पर टैक्स पेयर का पैसा लगाने की आवश्यकता है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, दोनों मुद्दों को आप अलग अलग एक जगह नहीं देख सकते? दोनों अलग अलग श्रेणियां हैं, श्रेणियों को देखकर बात करने की आवश्यकता है। उज्ज्वला कनेक्शन क्या था? उज्ज्वला कनेक्शन भी एक गरीब महिला के लिए, जिसके पास घर में चूल्हा नहीं था, उसके लिए किसके लिए? क्या वो क्या बहन है? मैंने तभी ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले कितने कितने घरों में बिजली नहीं थी। मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, गरीबों कितने घरों में बिजली नहीं थी? क्या उनके आने के बाद दे रहे हैं तब जाके बिजली का कनेक्शन केजरीवाल ने तोहफा दिया है
आप कह रहे हैं ये लालच है, ये लालच है, पूछ रहा हूँ उज्ज्वला क्या था, वो लालच नहीं था उज्ज्वला, डाटा लाइए ना बिजली धारकों का, डाटा लाइए ना, मैं ये कह रहा हूँ बिजली धारकों का डाटा लाइए, क्या क्या अगर उसकी तुलना आप किसानों के, किसानों की सहायता से और उज्ज्वला कनेक्शन से कर रहे हैं तो डाटा लाइए। आप लोग सवाल करेंगे तो डिबेट कैसे लेंगे, मुझे करने दीजिए, आपके पास जाऊंगा, लेकिन जिस डाटा की आप बात कर रहे हैं, आपकी सरकार है भारत में, आपके पास डाटा है भारत में कितने उपभोक्ता है पूरी बिजली के, आपको पता है कितना लाइन लॉस होता है, ऊर्जा मंत्रालय आपका भी है, आप भी कर दीजिए देश में, अगर केजरीवाल जी ने किया आप भी कर दीजिए, हम टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, 50% अगर हम आप ले रहे हैं, 50% आप ही दे दीजिए, आप पक्ष में नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए, बात गरीबों की है ना, गरीबों के नाम पर जो अब ये बंदरवाट हो रही है चुनाव से पहले, बात उसकी, चलिए गरीबों की बात है, गरीबों के बात चार साल आपने आपकी बात आ गई, उमा जी की बात आ गई, कांग्रेस क्या करेगी, क्यों इन्होंने कह दिया नहीं होना चाहिए, इनकी इनकी समर्थित सरकार है देश में भी और अनेक प्रांतों में, इन्होंने कह दिया नहीं होना चाहिए और उन्होंने कर दिखाया, आपका इस पूरे स्टैंड पर इस जो स्टेप लिया केजरीवाल जी ने, इस पर आपका कथन क्या है या कुछ जी? ये बहुत सराहनीय कदम है अरविंद केजरीवाल साहब ने जो निर्णय लिया है, पानी हमारे उत्तराखंड से जा रहा है, बिजली उत्तराखंड से जा रही है, और कितने साधुवाद के बात हैं वो अरविंद केजरीवाल साहब कि दोनों चीजें हमारे यहाँ से जा रही हैं, हमसे खरीद रहे हैं, वो बिजली भी खरीद रहे हैं और पानी भी खरीद रहे हैं और वो मुफ्त कर रहे हैं, जनहित में जो लिया जाता फैसला है, 200 यूनिट, आप ये बताइए, वर्मा जी अभी कह रहे थे कि ये टैक्स पेयर के पैसे की लूट हो रही है, वर्मा साहब ये बताइए 200 यूनिट बिजली कौन यूज करेगा, देश का वो व्यक्ति यूज करेगा जो गरीबी सीमा से नीचे होगा, अरविंद केजरीवाल ने डिफाइन किया है कि 400 यूनिट अगर आप बिजली करेंगे तो हम आप देंगे, 200 करेंगे तो हम फ्री कर देंगे, जीरो कर देंगे, और उससे ऊपर भी उन्होंने कोई ना कोई स्लैब बनाया होगा, तो ये फायदा जो है डायरेक्ट रूप से देश के उन निर्धन लोगों को मिलेगा जो लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, जो लोग सक्षम नहीं है उनके लिए ये योजना बनाई गई है, हो सकता है उनकी संख्या 1.5 करोड़ हो या 1 करोड़ हो, मैडम ने कहा है वो 1.5 करोड़ हो सकते हैं, 200 तक का जो टारगेट है वो गरीब लोगों को लाभ देने का है, पानी जो उन्होंने सारी दिल्ली के लिए फ्री किया है उसके लिए हम उनका उनका धन्यवाद अदा करते हैं, और दूसरी बात यह है कि वर्मा जी आप जो करते हैं वो तो सब ठीक, दूसरे लोग विपक्ष के लोग या पक्ष के लोग कुछ काम करते हैं वो सब गलत, तो ये नहीं होना चाहिए, जनहित में जो फैसले होते हैं, जनहित के जो फैसले होते हैं उसका स्वागत नहीं, टेक्निकल क्या जवाब देगा, 200 यूनिट बिजली 200 यूनिट बिजली कौन इस्तेमाल करेगा, गरीब गरीब की आप बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब इसी यूनिट चार्ज से दूंगा, आपने तो आधे पैसे करने की बात की है, इसका बजट कहाँ से लाएंगे आप, आपको पता है देहरादून में बिजली इस्तेमाल होती है 250-300 यूनिट पर मंथ से ऊपर का एवरेज किसी का नहीं आता, 650 से ऊपर नहीं जाता किसी का बिल यूनिट का 2 महीने के टैरिफ में, कहाँ पे, यहीं पे, किन लोगों को, पॉश एरिया में दिखा दूंगा, किन लोगों को, पॉश एरिया में दिखा दूंगा, उन लोगों को, नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, बताइए ना, नहीं तुम्हारी बात नहीं, आप मुझे बताइए जो गरीब गुरबा लोग हैं जो एक उज्ज्वला कनेक्शन का एक एक वो जलाते हैं बल्ब जलाते हैं, अगर एक बल्ब जलाते हैं तो भाई साहब वो 400 यूनिट इस्तेमाल करेंगे, आप बताइए ना कौन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, किस आदमी के घर में जा रहे आप टेक्निकली आइए ना, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी राज्य हैं जो यूनिट में जिस जिस मद में बिजली मिल रही है यूनिट पे उसमें सब सब्सिडी दे रहे हैं, ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जितने में खरीद, अरे साहब कंज्यूम उसका सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली कंज्यूम कौन करेगा, ज्यादा बिजली कौन खर्च करेगा, अगर यूनिट 8 रुपए खरीद के बिजली अगर पहले वो 6 रुपए, पहला सवाल ये आप मत कहाँ से लाएंगे, अरे छोड़िए ना बात कहाँ से लाएंगे, आप जो कहा आप जो कह रहे हैं कि हम सत्यनारायण लाल की ना कर देंगे,
तो क्या संभव है? क्या आप कैसे आप सबके नाम लाल किला करने के संभव है? आप मत कहाँ से लाएंगे? अरे वो आपका सब्जेक्ट नहीं है ना। किसका सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट पार्टी उठने का है, नहीं है जो सरकार चला रही है उसका सब्जेक्ट है। नहीं बताए ना, योजना लाए तो बताए ना। नहीं आप कंट्रोल करेंगे क्या उन्हें? आप पूरे पांच साल तक उज्ज्वला कहाँ से आ रहा है पैसा, कहाँ से आ रहा है पैसा, उसका जवाब सरकार ने दिया ना कि पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या किसी ने कहा आपको? जिस समय किसने पूछा? आपने उज्ज्वला के नक्शा दिया से पूछे कि लोकसभा में उज्ज्वला के ऊपर उन्होंने कितने क्वेश्चन किए हैं? क्या ये रिकॉर्डेड है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए हैं कांग्रेस ने, सबसे ज्यादा। मतलब आप मानने को तैयार? अच्छा अच्छा हमारी गवर्नमेंट आप रही है। सुनिए मैडम, आप गरीबों को चलने वाली जितनी जन कल्याणकारी योजना है सबको ठप कर दीजिए, सब कर दीजिए ना। नहीं नहीं आपकी तो आपकी आप जितनी भी योजनाएं चला रही है आप सबको ठप कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। आप टुकड़ा छीन लीजिए लोगों से, आप गरीबों के नाम पे छीन लीजिए ना, उनके जीने का अधिकार छीन लीजिए, उनका रहने का अधिकार छीन लीजिए, उनका सोने का अधिकार छीन लीजिए। पिछले पांच वर्षों से जनता को यही तो बहकावे में लाते हैं, परंतु अरे हमें भी नहीं, अरे जनता सता ही नहीं। बप्पा जी आपको आप प्रचंड बहुमत मिला हुआ नहीं, आज तो बहस के अंदर राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत है आपके। आप गरीबों से जीने का अधिकार छीन लीजिए, आप रोजी का अधिकार छीन लीजिए, रोजी का अधिकार छीन लीजिए, बिजली का अधिकार छीन लीजिए, पानी का अधिकार छीन लीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? पूरे चार साल के शासन में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों का क्या हाल करा? क्या क्या हो गया सर? आप चलिए, आप चलिए जो उनके अधिकार क्षेत्र। अच्छा नहीं आप यहाँ उत्तराखंड की डिबेट कर रही हैं या उसकी कर रही हैं? आप यहाँ रहते हैं, यहाँ से आप उत्तराखंड की डिबेट कर रही हैं या आज डिबेट कर रही हैं? ये तो पैसा आएगा बिजली का ही, कहीं ना कहीं तो आएगा ना। ये समझाइए आप बड़े आक्रोश में है, इतने बीजेपी के नेता हैं, क्या वो सारा बिल देंगे जो बीजेपी के मतदाता है दिल्ली में? एक तो नहीं माने। मेरी एक बात बताइए, अगर वो उज्ज्वला योजना अगर केंद्र ने चलाई है, भाजपा सरकार है, तो क्या कांग्रेस की महिला को नहीं मिला मतदाता को? आरएसएस का ये आरएसएस का कोई स्वयंसेवक हमने सिर्फ एक सवाल पूछा कि भाई आप योजना लेके आ रहे हैं, इसके लिए आपने क्या लड्डू में खाऊंगा? और नहीं बात मुफ्त की नहीं, बात मैं क्या कह रहा हूँ आपको, लड्डू की बात नहीं है। आठ साल तक हम सारे लोग इंतजार कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे 15 लाख का भाइये किसने कहा? चलिए किसने कहा 15 लाख? उमा जी बीजेपी तो नहीं है ये, लेकिन बीजेपी को जितवाते हैं आरएसएस के विचारक हैं, लेकिन जो मूल विचारक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये विचारक है, ये बिल्कुल साफ इनकार कर रहे हैं कि जो कुछ किया वो चुनावी है, लॉलीपॉप है। देखिए अगर चुनावी लॉलीपॉप की बात करें तो भैया बीजेपी से ज्यादा और संघ से ज्यादा चुनावी लॉलीपॉप आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं बांटे। 15 लाख आएंगे, उसके बाद जनधन खाते खुलवा दिए, मेरा माली मेरी मेड वो लोग बेचारे बड़े खुश की मैडम इसलिए खाते खुल रहे हैं क्योंकि 15 लाख आने वाले हैं, मोदी जी हमारे खातों में 15 लाख रुपए डालने वाले हैं, इसलिए जनधन के खाते खुल रहे हैं। मतलब आप विश्वास कीजिए कि आम जनता एक गरीब आदमी ने कितना बड़ा भरोसा इन लोगों के जुमले पर किया था, उसके बाद अमित शाह जी कहते हैं तो चुनावी जुमला है। मतलब आप लोग कुछ भी कहेंगे कुछ भी करेंगे, उसके बाद जीतने के बाद आपकी सब चीजें हवा हवाई हो जाती है, सब चीजें आपके चुनावी जुमला हो जाते हैं। और रही बात ये कि उज्ज्वला योजना ये योजना, भाई जब आप कोई योजना तैयार करते हैं, किसी योजना को आप करे रूप देते हैं, किसी योजना को आप पटल पे रखते हैं, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? ये ऑलरेडी आपके ऑफिसर्स आपका सचिवालय बैठ कर उस चीज को तय करता है, हवा में ये सब चीजें नहीं होती। केजरीवाल जी ने अगर ये चीज करी है कि भाई 200 तक बिजली हम आप 200 यूनिट तक माफ करेंगे, तो उसके बाद उनका पैसा होगा। जिस समय हमारी गवर्नमेंट 2014 में जब आई थी उस समय 32,000-35,000 करोड़ का बजट था दिल्ली का, आज लगभग 60,000-65,000 करोड़ का बजट है। हमने लगभग 70% अपना रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट किया है, कुछ तो किया है ना वहाँ पे, अभी जो एक्स्ट्रा पैसा ऐसा है उमा जी, आपने तो कह दिया पता नहीं कहाँ से आएगा, उन्होंने कर लिया होगा। अभी आपने भाई आप बोलिए
का होता है। 84 में राजीव गांधी जी ने बोला था कि 1 रुपया सेंटर से चलता तो 15 पैसे जनता तक पहुंचता है। तो आप सोचिए इस समय भ्रष्टाचार की हालत हमारे देश में क्या होगी। दिल्ली सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, वहाँ पर जनरेशन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है वो वर्मा जी भाई इस बात को आप थोड़ा हम लोग नहीं वर्मा जी क्या हट जाए। यदि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विधा है तुमसे सीखने में आपके सामने मैं पहले कह रहा हूं आपसे डॉक्टर का किसी भी लोगों को आपने किसान से लगाया था यानी आप पहले कह राजीव जी सरकार ने अगर तो अगर सरकार ने अरविंद केजरीवाल को आता है उनके पास जब सरकार ने आपके सारे किसानों को दी है किसान से लगाया था नहीं लगाया था उन्होंने योजना बताई थी ना कि हाँ ये पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास कहाँ से देंगे हम क्या अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ किया है बताएं या किसी विभाग का बजट में कटौती करके ये काम कर रहे हैं बताना पड़ेगा ना। आप सुनना चाह रहे तो मैं बता देता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने आते ही एक फ्लाईओवर जिसकी जो कीमत थी करीब करीब उससे आधी कीमत 25% कम कीमत पे उसी फ्लाईओवर को बना दिया। अब आप जानते हैं कि सरकारी निर्माण में सीधा सीधा जो कमीशन होता है वो कितना होता है और यदि सिर्फ वो कमीशन समाप्त कर दो तो निर्माण की जो स्थिति है 70% तक आ जाती है कहीं कहीं आप 65% ला सकते हैं कहीं 35% कहीं 25% कहीं 20% तो और आप कहना चाहते हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम शिक्षा का बजट और स्वास्थ्य का बजट हम बिजली की यूनिट को मुफ्त में लगा देंगे जो सारा पैसा सरकार के खाते चाहे वह पैसा बचता है फॉर्मूला बच गया। मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं मैं फॉर्मूला आपने बता दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं बता रहा हूं 1% की भी होनी चाहिए और बता रहा हूं इसी मध्य और सुन लीजिए 1% भी सब सही होनी चाहिए और सुन लीजिए अब मेरी बात सुन लीजिए थोड़ी सी बात सुन लीजिए अब आप दिल्ली में शराब की कीमत इतनी कम है कि अगल बगल के सारे राज्य के लोग वहां के खरीदते हैं टैक्स वहां देते हैं। आपके राज्यों में या आपके अन्य सरकारें भी रही हैं वहां शराब की कीमत इतनी अधिक है कि उस जगह का आदमी आपको राजस्व देने के बजाय दिल्ली जाकर खरीदता है वो वहां से कमाते हैं। आपके यहाँ जो एफएलडब्ल्यू सिस्टम है शराब का मैं शराब शराब कर रहा हूँ आपका सबसे बड़ा कमाई का जरिया होता है एफएलडब्ल्यू सिस्टम है जो आपने प्राइवेट वेंडर्सों को दे रखा है। आप अगर जीएमएन और केएमएन को देंगे तो जितना मुनाफा होगा वो आपके खाते में आएगा आपको जितने उदाहरण चाहिए और देता हूँ। मेरा मानना है कि शराब जितने उदाहरण चाहिए आपको कमाई में बताया। पहली बात तो एक है आपने कहा कि जो कमीशन है मैं नहीं जानता क्या इसके बात की तरफ अगर कमीशन कहीं 1% की भी है वह मेरी नजर में यह है कि बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक और बात अगर लोक निर्माण विभाग का बजट है आप उसको उठा के अगर वो बजट बच गया तो आप उसे दूसरे इस्तेमाल नहीं कर सकते किसने बताया क्या लोक निर्माण का विभाग का पैसा खर्च कर देंगे कर सकते हैं आप ऐसा आपको किसने बताया कि नहीं क्या जी राज्यों में विधानसभा होती है जो तय करती है तो क्या पारित देश में लोकसभा होती है यदि आपके पास सरप्लस उसका किसी भी प्रयोग करने के लिए एक दिन का सत्र बुलाते हैं आप बजट ला सकते हैं अपनी कमाई को तैयार कर सकते हैं चुनावी लाभ उठा कर तब क्या हम अगले सत्र में आएंगे सत्र में अगले महीने बोला उन्होंने आपकी सरकार ऑर्डिनेंस ले आती तो आप कुछ नहीं कहते क्या जी अगर वो ऑर्डिनेंस लाए तो लाए ना पहले अगर वो ले आए ना आप आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदेश करते हैं आप उसे मान लेते हैं दूसरा कर रहे हैं आप मानी नहीं ये मैंने क्या था प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ प्रक्रिया में आप ऑर्डिनेंस लाए ना कौन मना कर रहा आपको मतलब ये है कि आपने ये योजना बना ली है कि फायर अप एलजी क्या नहीं नहीं नियमों के अंतर्गत सोचिए
जो आप ही के कार्यकर्ता होंगे उनके लिए कितनी बड़ी समस्या पैदा कर देंगे अगर आप एमडी का फैन रोक देंगे। नहीं नहीं ये कोई लाखों लाखों लोग आपके हैं दिल्ली में, आपको सच अगर आप एलजी का रुकवाएंगे आपने कहा भी मिथ्या आरोप आपने अभी कहा था क्या कहा मैंने आपने कहा एलजी का से पास हो गई क्या मैंने ये नहीं कहा एलजी के पास भेज दी क्या देखिए मैंने पास नहीं कहा मैंने पास क्या कहा सवाल नहीं आप क्या अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं नहीं नहीं मैं नुकसान की बात नहीं है आप प्रक्रिया तो अपनाएंगे क्या बिना प्रक्रिया के काम करेंगे उनका बयान है कोई वो राह चलती इंसान का बयान नहीं है मुख्यमंत्री एक राजनीतिक पार्टी के संयोजक भी है तो चुनाव में उतरने आपको क्या अधिकार है उनके अधिकारों को चुनौती देने का क्या चीज आप अधिकारों को उनके नहीं दे रहा हूँ चुनौती क्यों दे रहे हैं मैं प्रक्रिया को चुनौती दे रहा हूँ आप ये बताओ आपका अरविंद केजरीवाल काबिल मुख्यमंत्री नहीं है आपकी जो दिशा है पहले आप अपने आप में ही कंफ्यूज है आप इतना कंफ्यूज है वर्मा जी आप संघ विचारक है और संघ विचारक के मायने आपको बैकबोन माना जाता है भाजपा का आप ये बताइए आप जनहित की जो योजना आई है पहले उसका आपको हृदय से स्वागत करना चाहिए ठीक है उन्होंने किया अब आप उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है एलजी के अधिकार अरे उसके अधिकार क्षेत्र की तो बात ही नहीं की मैंने आपने कहा कि एलजी से वोट नहीं ला सकते हैं विधानसभा आपने कहा एलजी से परमिशन ले ली तो एलजी के पास फाइल जाएगी ना अरे साहब वो तो सारी दुनिया जानती है वो तो क्या 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 मैंने गलत कहा है ये एलजी मुख्यमंत्री वर्मा जी विधानसभा में ऑर्डिनेंस नहीं आता है एक बात का जवाब मुझे दीजिए अगर विधानसभा में बताओ तो आएगा विधानसभा चलाई मान में हो तब ऑर्डिनेंस ला के सरकार ने ऑर्डिनेंस विधानसभा में आता विधानसभा में सीधा पड़ता है सारी प्रक्रिया किया है जो आप समझाने की प्रयास कर रहे हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है ऑर्डिनेंस तब लाना पड़ता है जब हाउस नहीं तो चल रहा हो कभी आप हाउस की बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं मैंने क्या कहा आप कंफ्यूज हो रहे हैं अगर किसी दूसरे विभाग के मत को अगर आपने इस्तेमाल करना है उसके लिए प्रक्रिया का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना अरे साहब ये सवाल कहां से आया ये सवाल कहां से आया तो बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो राज्य सरकार कैसे पूरा ये वो राज्य सरकार कर देगा वो उसकी जिम्मेदारी है हमारा पूछने का अधिकार नहीं है क्या क्या पूछेंगे आप ये पूछने का अधिकार नहीं है कांग्रेस सरकार से आप ही कहेंगे आप ही लोग क्यों क्या मतलब ये कांग्रेस की पद्धति थी राज्य से 70 साल 54 56 सालों तक आप लोगों ने यही किया कि हमने तो सवाल नहीं किया 70 सालों में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को उतने अधिकार नहीं है जो देश के बाकी मुख्यमंत्रियों को है उसका कारण यह है कि वो अपने आप में पूर्ण राज्य होने के बावजूद पूर्ण राज्य नहीं है फाइल जो है वो एलजी के पास भी जाती है एलजी के पास ही जाती है एलजी के पास ही जाती है एलजी तो वहाँ जाती है यहाँ भी राज्यपालों के पास जाती है बाकी राज्यों में राज्यपालों के पास जाती है फाइल लेकिन वहाँ एलजी के पास जाने के बाद वो भारत सरकार के पास ही जाती है निश्चित तौर पर प्रक्रिया में हर्डल लगते हैं समय लग जाता है दिल्ली में लेकिन जिस जिस चीज में सरकार के पास धन हो मुख्यमंत्री विभाग का अधीन कोष हो कोई कोष हो जो उनके अधीन कोष है उसका सदुपयोग उपयोग कहीं भी कर सकते हैं उसमें आप नहीं रोक सकते सरकार
आपको जानकारी नहीं है, आपको कुमार जी इनको दिल्ली भिजवा के अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में 15 दिन बैठ के ट्रेनिंग करके आ जाए, उसका देश का बड़ा हमें आपको ट्रेनिंग करनी है। आप बताए ना देश को, आपको सीखने जाना है, आपको दिक्कत हो रही है ना, हम कह रहे प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है, आप सीख लीजिए। आपको फंड कहाँ से लाएंगे, हमने तो इतना पूछा है, वही सीखने का, वही सीखने हमें सीखने की आवश्यकता है। आप जनता को बताएं, आप जनता को बताएं कि फंड कहाँ से लाएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चमत्कार कैसे संभव, पूरा बता रहे हैं, अगर आप सुनना चाहेंगे। इस पूरे आधे घंटे में जो इनकी पीसी थी उन्होंने सारी प्रक्रिया बताई है, आप पुनः मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप पूरा सुन लीजिएगा, और कहीं डाउट है तो आम आदमी पार्टी मदद कर देंगी। तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठी तो मैं से पूछ, वही तो पूछ रहा था कि भैया वो मदद का पता तो दे कि वह पैसा कहाँ से आएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा उन्हें पता होगा कि कहाँ से। आपसे माफी मांग रही हूँ, दिल्ली में केजरीवाल जी ने गलत कर दिया, उत्तराखंड में करा दीजिए, यहाँ तो आपकी गवर्नमेंट है, यहाँ प्रक्रिया भी पता है, दिल्ली में आपकी सरकार है, सब कुछ है, लगभग 20 राज्यों में। ये विषय मेरा है, ये विषय मेरा नहीं है, ये सरकार का विषय है। जब उनसे मेरे मुख्यमंत्री जी से क्वेश्चन क्या विषय अगर आपका है तो ये विषय भी आपका है। अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछने की हिमाकत कर सकते हैं तो आप ये करने की क्या हिम्मत कीजिए कि आप उत्तराखंड में बिजली कराएंगे। नहीं, ये क्या बात हुई कि हम वहाँ बुक हो रहा था, यहाँ भी बुक किया, जो ये मूल जनता की बात कहाँ से है बताइए ना। हम लोगों ने पानी माफ किया, उसके बाद बिजली पानी का जल बोर्ड था वो हमेशा पॉजिटिव में आया, उसका रेवेन्यू बढ़ाया, क्यों कैसे हुआ ऐसा। आपने ये 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 उजाला दिया, ये जी आपने किसान को ये नहीं नहीं रावत जी दूसरी चीज पाइएगा। रावत जी मेरा निवेदन है, ये नीरज मोदी को पैसा दे के भगा सकते हैं भारत से, ये जो पैसा दे आप लोग जो बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, आप लोग जो बड़े लोग हैं उनको, अरे दुनिया जान रही है, दुनिया जान रही है अडानी अंबानी का आपने क्या किया, आप बड़े लोगों के कर्जे माफ कर रहे हैं, आप उनके गरीब लोगों को अगर अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी तो वो बात संघ प्रचारक को हजम नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही, मतलब संघ विचारक को भी नहीं। वर्मा जी आपको देखिए, ये तो कबीरदास का दोहा है, और अगर आपने आप भी जानते होंगे अच्छी तरीके से, गरीब की अगर हाय होगे ना तो आप भस्म हो जाओगे बॉस। अभी तो देश देख रहा है आपको, और आप ये आरनामों को भी देख रहा है, आज देश को अगर जनहित की एक योजना दी समय केजरीवाल ने भाई हमारा पानी, हमारा पानी बिजली सारी उत्तराखंड से जाती है सारी महंगी, आप पानी हमको पानी पैसों से बेच रहे, बिजली आप हमको किस तरीके का न्याय कर रहे हैं आप देश के अंदर, कैसे लाएंगे आप लोगों को, आम आदमी को आप कैसे राहत देंगे ये तो बता दीजिए। चलो हम आपके भारत मूल्य पे काम कर लेते हैं, सारे लोग आपकी बात मान लेते हैं, संघ विचारक की आप बताइए ना। हाँ, गरीबों को 200 यूनिट बिजली देना आपको हजम नहीं हो रहा, क्या चीज बात खत्म होने के ना होने के लिए मैंने कौन करेगा उसका इस्तेमाल, कोई एक बड़ा उद्योगपति करेगा क्या, जिसके घर में 4 AC लगे हैं वो तो चला जाएगा उस सिलेक्ट के ऊपर, जिसके घर में 4 AC लगे हैं वो सिलेक्ट के ऊपर चला जाएगा, इसका लाभ अगर मिलेगा तो गरीब लोगों को मिलेगा, और वो आपको बच नहीं रहा है। अजब अजब बात, आप ऐसे ऐसे विरोधी नहीं हो आप, कितने ये ना लगाइए ना, आज ये जो पैसा इस्तेमाल होगा इसमें में लगेगा, हम सिर्फ पूछ रहे कि वो कहां से आए, कहीं ना देश से आए, यहां से आए तो वही तो है, आप अपने ऐसा ना अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को खत्म कर दे, क्यों कर देना खत्म, आपको जब ये लग रहा है कि वो पैसा नहीं जुटा पाएंगे, वो कहीं से फर्जिफिकेशन कर देंगे, तो आप एलजी से बताए को क्या आप ट्रेनिंग में जाने को तैयार नहीं है, कर दिया है।
हम लोगों ने जो 9 लॉस खत्म किया है, हम लोगों ने जो भ्रष्टाचार वहाँ पे खत्म किया, हम लोगों ने जो हर जगह जो कमीशन खोरी होती है उसको जो बंद किया, वो सारा पैसा हम लोग जनता को दे रहे हैं। सारी जे जे कॉलोनियों में पानी कनेक्शन आ गए, हमारी मान लीजिए भैया कोशिश तो हो रही है, नहीं आ गए, मैं ये कह रहा हूँ कितनी बस्तियों में आए आप ये बता दो, एक में आए हो, दो में आए हो, तीन में आए हो, बता दीजिए, नहीं बता दीजिए क्या नाम बता दीजिए, अन्यथा मैं बस्तियों का नाम मैं बताऊँ दिल्ली की, मैं नहीं आया दिल्ली में एक सिपाही मरता है 1 करोड़ देते हैं अरविंद केजरीवाल उसके परिजनों को और 5 साल से दे रहे हैं। हमारे स्कूलों की बात कीजिए ना, हमारे सरकारी स्कूलों की बात, आपको कैसे दे रहे हैं, कितने अच्छे हमारे, आपको विजय बारे में अमेरिका तक, फ्रांस तक, जर्मनी तक के लोग आके हमारा उस मॉडल को देख रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने सरकारी स्कूल अच्छे किए, बच्चे लोग अपने प्राइवेट स्कूल से निकाल के हम लोग सरकारी स्कूल में, उन्होंने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस लॉन्च कर दी है गलियों में भीड़ में, तुरंत तुरंत जाए ऑक्सीजन भी है उसमें, उसमें सारी चीजें। देखिए अगर ऐसा है तो बढ़िया किया, मैं स्वागत करता हूँ, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि आप गरीब के लिए कोई योजना बनाए, परंतु उसके मन का तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, आप कौन सी योजना को कमजोर कर रहे हैं वो तो बताएंगे आप। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, बजट तो वही है, उतने तो बनाए वर्मा जी, अरे बजट बढ़ा है तो और खर्चे भी तो बड़े हैं वर्मा जी, और खर्च भी तो बड़े हैं वर्मा जी, कहीं ना कहीं से तो लाएंगे ना भैया, वर्मा जी महिला मिठाई खरीदने जाते हैं तो उसको पता उसे कहां से पैसा बचा के मिठाई खरीदनी है। वर्मा जी आप लोग कहां से पैसा लेकर, वर्मा जी आप लोग वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं, बहुत कम दरों पे शिशु मंदिर चला रहे हैं, विद्या मंदिर चला रहे हैं, इतने कल्याण के काम आपकी 140 शाखाएं भारत में है और बड़े पैमाने पर जो जहाँ हुकूमत नहीं पहुंच पाती वहां आप पहुंचे हैं और आप काम कर रहे हैं, तो सारे लोग स्वागत तो करते हैं संघ का। नहीं मैंने क्या कहा, आपके अच्छे काम से तो अगर सरकार सीख गया आपसे, जी सुन तो लीजिए, अगर हमारा विद्या भारती हमारा सबसे कम पैसों में शिक्षा दे रहा है भारत को, तो वह अपना हिसाब किताब बता रहा है कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, किस जगह से आया, बता रहा है। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में बजट नहीं बनता, बजट नहीं बनता तो बताना पड़ेगा ना भाई, सरकार है भैया बताना पड़ेगा भैया, कोई राजनीति में वर्मा जी को ऑडिटर, मैंने इस डिबेट से पहले आपको पूरी किसी सुनवाई थी भी इसीलिए सुनवाई थी कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उसका दूसरा उपाय ये भी है कि आप दिल्ली में जाते आपने 4 लोगों के अपने रेवेन्यू बढ़े को बता दिए, आपने ये नहीं बताया कि इस ये बड़े हुए रेवेन्यू का पैसा हम इस बिजली के आपको आश्चर्य नहीं बता, आप क्यों कंफ्यूज है, विधानसभा में जो भी सरकार की आय के स्रोत होते हैं बजट सरकार की संभावित अगले वित्तीय वर्ष में संभावित आय के स्रोत का उसने विस्तारण कहां करना है, सरकार बजट रखती है हाउस में पास करती है और खर्च करती है, इसमें कौन सी दिक्कत नहीं, पहली बार हो रहा है भारत में क्या, ये कोई नई बात थोड़ी है, कहीं से भी जो आय आती है आबकारी में सबसे अधिक आय होती है, खर्च सबसे कम होता है, सबसे कम भी आबकारी होती है, हर राज्य में होती है आबकारी का पैसा, आबकारी में थोड़ी होता है, किसी विभाग का, ये किसने कह दिया आपको, शिक्षा में सबसे अधिक खर्च होता है, कहां खुशी होती है, जो बजटिंग सिस्टम है राजीव जी मान के बजटिंग सिस्टम है हमारा, उसमें राज्य सरकार को पूर्णता अधिकार है किस क्षेत्र का बजट को बढ़ाना है किसका घटाना है, पूर्ण अधिकार है, परंतु जब हम सब्सिडियों पे आते हैं आप गलत कर रहे हैं, आप अनपार्लियामेंट्री बात कर रहे हैं, राज्य की सरकार को अधिकार नहीं है, राज्य की सरकार को अधिकार है जो प्रस्ताव बनाकर सभा में पेश करे और सभा को अधिकार है जो पारित करे बजट की प्रक्रिया का हिस्सा, वो सरकार को नहीं, वो सभा को निकाल, बड़ी विधानसभा है, कहीं तो माना आपने, बड़ी विधानसभा है, हाँ तो अब माना ना आपने, मैंने क्या माना, विधानसभा 70 साल से नहीं है, 70 साल से यही है, विधानसभा दिल्ली में नहीं है, अरे विधानसभा तो कह दिया मुख्यमंत्री जी, आपने भी कह दिया, उमा जी ने भी कह दिया कि वो मुख्यमंत्री है, बड़े आदमी है, उनका विवेक बहुत बड़ा है, उन्होंने कर दी घोषणा, सरकार को बजट बनाकर पेश करने का अधिकार है, सरकार को उससे उसके लिए ला सकती है, सरकार को किसी की जरूरत नहीं, आज नहीं तो क्यों लाएंगे, वो जो आपको दे रहे हैं आज, उनको अगर जरूरत नहीं है पैसे की तो क्यों लाएंगे, वो आपके कहने पर थोड़ी लाएंगे, आपके कहने पर लाएंगे क्या, आपके कहने पर लाएंगे क्या, वो सब्सिडी का पैसा, अरे उनके ऊर्जा में फंड होगा, उनके मंत्रालय में फंड होगा, किसमें दिक्कत क्या आपको,
आप नहीं दे पाएंगे, वो क्लियर करके जवाब बता दिया। साफ साफ तौर पर सिस्टम है, यदि आपको धन का उपयोग करना हो, आपके पास बहुत सारे मद हैं, जहाँ जहाँ आपको आकस्मिक निधि फंड भी है, हर राज्य में होता है, हर राज्य के मुख्यमंत्री जी के पास अधिकार होता है आकस्मिक निधि फंड होता है। वो निर्वाचित मुख्यमंत्री है, बहुमत के मुख्यमंत्री है। सही बात, बहुमत के मुख्यमंत्री निर्वाचित मुख्यमंत्री है। प्रत्येक निधि आप देश को करने का अधिकार, आप देश को कन्फ्यूज नहीं कर सकते। आपके जब मुख्यमंत्री करते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री करते हैं, तब आप कुछ नहीं करते। कमलनाथ ने कर दिया, तब आपने कुछ नहीं कहा। हरियाणा में कर दिया, तब आप कुछ नहीं कहा। अभी राजस्थान में जब उन्होंने माफ किया, तब आपने कुछ नहीं कहा। आज ये यही काम अरविंद केजरीवाल पहले कर चुके हैं, पहले स्टेप में 50% माफ कर चुके हैं। अब वो माफ कर चुके हैं, पहले तो वो उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिस पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। पिछले 4.5 साल से चल रहा है, जिसमें उन्होंने एक कदम आगे और बढ़ा दिया है। ठीक है, एमसीडी का पैसा देने के लिए नहीं। अरे भाई ये कोई कहीं ना कहीं से तो हाँ ठीक है, आपने कहीं से भी निकाल सकते हैं। आपको ये किसने कहा कि एमसीडी को पैसा राज्य सरकार देगी? किसने कहा आपको? कौन देता है, कौन आपको बताता है, कौन देता है? एमसीडी निर्वाचित संस्था है, एमसीडी के आय के स्रोत होते हैं, जहाँ जिन योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार लागू करती है उसमें अंश होता है या पूर्ण होती है। बायोसाइकिल योजनाएं होती है, वो लोन लेता है, अपनी से अपने स्रोत से कमाता है, जहाँ उसको जरूरत नहीं होती वो मांगता है। कुछ उसे सब्सिडी भी मिलती है। आप जानते हैं आपकी नगर निगम बहुत बड़ी कमाई वाली इकाई है, आपकी मुसलमान नगर पालिका बहुत बड़ी कमाई वाली इकाई है। ठीक है, सरप्लस बजट होता है उनके पास। राजीव जी एक सवाल था, जहाँ दिक्कत होती है वो मानते हैं। राजीव जी आपका जो मकसद था और हमारा जो मकसद था और उमा जी का जो मकसद था, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे मोदी जी से, वर्मा जी से सॉरी, कि वर्मा जी आपकी 20 सूबों में आपकी सरकार है, क्या जो इतनी अच्छी योजना आई है जनहित की योजना, क्या आप अपने सरकार अपने अपने राज्यों में भी इस तरह का कोई ऐसा प्रयास करेंगे जो जनहित का हो, या आप उसका विरोध करेंगे? बस ये मकसद था और लोग ये जानना चाहते हैं, इतना मकसद है, दूसरी दिशा में चली गई थी। हम ये जी जी बताइए वर्मा जी, हमारा कोई आपसे वैसे नहीं कोई आप हमारा तो सिर्फ इस बात को देखना चाहते हैं, आप कर दो तो सब ठीक, अगर किसी दूसरे ने कर दिया तो वो करना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए नेचर ना। मैं इनको क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, हमने तो दिल्ली में इन्होंने कहा था कि हमारे साथ साझा कर लीजिए आप पार्लियामेंट के चुनाव को, नहीं माना राहुल गांधी ने, नहीं बनी बात, हमने अरविंद केजरीवाल के साथ अपना अलायंस नहीं किया, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम अरविंद केजरीवाल की हर बात को मान लेंगे या हम इनको सपोर्ट कर देंगे? एक अच्छी योजना, जनहित की योजना आई है, गरीब लोगों को उसका फायदा होगा, उस योजना का हम स्वागत कर रहे हैं। उसमें अगर आप ये सोचने लगो कि भाई हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी सोच सीखना चाहिए पूरे देश को। यस यस, राजीव जी अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए। आपके यहाँ मुख्यमंत्री ने पिछली बार एक अच्छा काम किया, हमने यहाँ टीवी में बोला, बहुत सारे लोगों ने कहा सिद्दीकी जी तुम तो वहाँ पे, हम तो ये भी कहते हैं जो उत्तराखंड स्वास्थ्य बीमा योजना करी लागू करी, मुख्यमंत्री ने जो अच्छा काम किया उसकी सराहना होनी चाहिए, सबको सीखना चाहिए। अरे हम आप किसी राजनीतिक दल के अलावा हटके हम एक इंसान भी तो है, हमारा इंसान का इंसानियत का सोचने का एक दायरा भी तो है, क्या हम उस दायरे से नहीं सोचेंगे या हम किसी पार्टी के वो बनके एजेंट बनके रह जाएंगे? एक अच्छा काम उन्होंने किया है, और सबसे बड़ी बात है कि आप उसको समझिए, उन्होंने सिलेक्ट में किया है, उन्होंने कहा जो आदमी 200 यूनिट बिजली कौन करेगा, 200 यूनिट बिजली वो ठली ठेली फड़ वाला जो झुग्गी झोपड़ी वाला है उसकी कैपेसिटी है 200 यूनिट, किसी बड़े आदमी की कैपेसिटी नहीं है 200 यूनिट। बड़ा आदमी तो 4 AC लगाएगा, ज्यादा बिजली कंज्यूम कर देगा, उसको पे करना पड़ेगा, इसको पे नहीं करना पड़ेगा जिसके लिए 200 है। तो ऐसी योजनाओं का वर्मा जी स्वागत होना चाहिए, आप संघ विचारक हैं और आपने एक दिशा दी है देश को, और सुन लीजिए आज आपकी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी हैं, जो झूलेबाज हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और आप माफ कीजिएगा मुझे, अगर आपकी मेहनत ना होती तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी सपने में भी नहीं बन सकता था। आज हम लोग क्यों आ गए हाशिए पे, कांग्रेस हाशिए पे क्यों आई है देश के अंदर, इसलिए आ गई है कि कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, एसी कल्चर के लोग हो गए थे,
और आज हम जो 54 नहीं की 11 पे आ गए, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कहते थे खाता ना वही जो अली सावंत ने कही वही सही, चलो भाई जनता ने बता दिया, आज हम लोग भी 80 पे आ गए, क्यों नहीं बोल पा रहे हम आज आपके आगे, आज बहन बोल रही ना आपके आगे। इसलिए जनहित की योजनाओं का स्वागत होना चाहिए, और मुझे कल निकाल दे मेरी पार्टी कांग्रेस बाहर कर दे मुझे, मैं तो ऐसी योजनाओं का स्वागत करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री को सलूट करूंगा, अरविंद केजरीवाल को सलूट करूंगा कि वह ऐसी जनता के हित के ऐसे निर्णय ले, मैं उसे सलाम करूंगा। क्या यार, आप इंसान भी तो है किसी पार्टी से बदले, आप संघ विचार के तो आप सारा नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हो। जी 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 विशाल, पहली बात तो ये है कि याकूब जी आपकी पार्टी आपको निकालेगी नहीं, आपका स्वागत करेगी। सीधी सी धन्यवाद, आम आदमी पार्टी का समझौता लोकसभा में हुआ या नहीं हुआ वह अलग विषय है, परंतु आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते इस पार्टी के बनने से पहले के पुराने हैं। दूसरा एक और बात, आपने कहा कि क्या उत्तराखंड की सरकार और बीस अन्य राज्य करेंगे? जी, मैं ये कहता हूँ किसी भी राज्य सरकार के पास अगर सरप्लस बजट होता है, उसके पास होता है कि मैंने सारी योजनाओं को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया, सभी के लिए बजट पूरा हो गया, तो वह करे, जनता के हित में करे, बिजली के रेट आधे करे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसके बारे में सबसे पहले चाहे मेरी सरकार क्यों ना हो, अगर आप कोई इस प्रकार की कोई सब्सिडी की योजना ला रहे हैं तो आपको मद का प्रस्ताव बताना पड़ेगा कि भैया ये पैसा हमने यहाँ पर इसमें सब्सिडी लगा रहे हैं तो ये पैसा इस जगह से आया है और ये लगे। बतला दूं आपको, बता दिया आपने, टिहरी बांध की जो बिजली है उसका जो 25% स्टेट रॉयल्टी का जो हक है वो यूपी ले जा रहा है आज तक, आपको मौलिक हक दिला दीजिए, आपकी सरकार भी माफ कर देगी। सही बात, देखिए अगर कोई ऐसा चाहिए था जा रहा है आपकी सरकार ने करा दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आकर गाय को पानी पिला जाते हैं, उनको दूध पिला जाते हैं, अगर आप ये कर देंगे तो त्रिवेंद्रावती भी कर देंगे। अगर ऐसी बात है, अगर नहीं बंटवारे राजीव ने कहा कि अगर परिसंपत्तियों के बंटवारे में अगर टीवी डैम की कोई समस्या है तो दोनों राज्य सरकार को शीघ्र न शीघ्र बैठ कर मालिक ही नहीं उसका करना चाहिए। अरे आश्चर्य की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड मालिक ही नहीं है, नहीं पानी हमारा, बिजली हमारी, सब कुछ हमारा और हम ही उससे वंचित। लोग यहाँ तक स्थापित हुए, कष्ट लोग झेल रहे हैं, गांव घर भाई बहन उनके दूर दूर हो गए, एक का घर कहीं और हो गया, एक का घर कहीं और हो गया, रिश्ते नाते बिगड़ गए, कल्चर बिगड़ गया। देखिए और उसका मालिक यूपी, ये कैसा बंटवारा, नहीं कह रहा, और जब बंटवारा हुआ तभी आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में दोनों राज्य सरकारें, मैं इसमें नहीं जा रहा कि कौन से राज्य की सरकारें वहाँ है, नहीं मैं कह रहा हूँ दोनों सरकारें, उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों जल्द से जल्द इस मामले को हल करने के दिशा में प्रयास करें। पहले होता था कि यहाँ पे जल्द करें, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ऐतिहासिक कार्य किया था, उमा जी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ऐतिहासिक कार्य किया था और उन्होंने सबको जो है 5 लाख का वो दिया, हेल्थ कवर दिया है, और आप सोचिए अगर 1 करोड़ जितनी बड़ी जनसंख्या उत्तराखंड की है, यदि इसमें से 10% भी बीमार पड़ जाए और इनको 5-5 लाख रुपए देने पड़े तो क्या बजट हो सकता है? वो पूरे राज्य के बजट से अधिक है, लेकिन उन्होंने सारस के आगे कदम उठाया, किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, सबने स्वागत किया, पूरे भारत से स्वागत किया, और अन्य राज्यों के पत्रकार भी जो आज मैं कह रहा हूँ कोई पत्रकार उड़ीसा का भी कहता होगा अपनी सरकार को कि भाई तुम क्यों नहीं करते होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत कर सकते हैं। जिस मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ऐतिहासिक कार्य किया, पूरा देश पूरे देश के हर प्रदेश अपेक्षा करता है अपने मुख्यमंत्रियों से, और जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया वैसा भी पूरा देश करता है अपेक्षा, तो यदि आप यहाँ भी कर देते तो देखिए मैंने क्या कहा कि कोई भी, मैं बिजली की बात नहीं कर रहा, अगर किसी महीने किसी गरीब परिवार को सब्सिडी देने की बात आती है, अगर आपके पास अगर सरकार के पास सरप्लस बजट है तो आप तुरंत जी, मैं ये बात कह रहा हूँ। और दूसरी एक और बात, अगर आप 10-11 माह के अगर अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू देख रहे हैं या उन्होंने जो मीडिया में कहा है वो यही कहा है कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं, कब कहा
कैसे मुफ्त जो है भाई तो बोलेंस भी दे रहे हैं। मैं आपका भाई जी 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 एक छोटा सा दीजिए एक छोटा सा प्रश्न करिएगा। मैं प्रश्न नहीं कर रहा याकूब जी अंतिम कमेंट। उमा उमा जी ने एक छोटी सी बात अंतिम कमेंट। जब महिला बाजार जाती है तो उसे पता चलता है उसके पास रहता है कि मेरे पास 500 रुपए है मुझे किस तरीके से हम तो महिलाएं ओवर एडजस्टमेंट करके चलती है। ये वर्मा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो इतनी बड़ी घोषणा कर दी वो बिना सोचे इकोनॉमिस्ट है आयकर विभाग का अधिकारी रहे हैं नहीं कैसे समझ रहे हैं और आप उनके अधिकारों को चैलेंज क्यों कर रहे हैं भाई। आप आपको क्या लग रहा है कि वो वैसे ही उन्होंने हवा में घोषणा कर दी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो। मैं कह रहा हूँ वह हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मान गया हम आपकी बात को मानते हैं तो वह बता देना माननी पड़ेगी या कहाँ से लाएंगे आप वो किसको नरेंद्र मोदी को जाके बताएं। नरेंद्र मोदी जी को क्यों बताएं देश की जनता को बताएं। अरे देश की जनता को तो उन्होंने लाभ दे दिया बताएं उन्होंने देश की जनता को दिल्ली की समझ में आ रहा है। तो बात कह रहे हैं कि मैंने यहां से बजट आ गया उनका ये सराहनीय कदम है। हम उनको सलाम करते हैं। इस तरह की जनहित की योजनाएं लागू होनी चाहिए पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए। हमारा उनको सलूट है सलाम जी। अंतिम कमेंट वर्मा साहब मेरा ये कहना है कि मैं इस योजना का मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब को सब्सिडी देना कोई बहुत बुरा काम होगा अच्छा काम होगा भला काम होगा परंतु मैं मेरा मानना ये है कि किसी दूसरे विभाग के बजट को आप इस सब्सिडियों में इस्तेमाल करके आप दूसरे विभाग को आप कंफ्यूज हैं। उमा जी देखिए मैं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पुनः साधुवाद देना चाहूंगी और वहाँ की जो दिल्ली की जनता है उनको मैं बताना चाहूंगी कि आपको इतने बेहतरीन मुख्यमंत्री मिले हैं इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले हैं जो वाकई में आम जनता और गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं तो जमात दिल्ली की जनता को बोलूंगी कि आप मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएं ताकि हमारे मुख्यमंत्री आपके लिए और बेहतरीन। बिल्कुल बिल्कुल यही वो बात है जो परेशानी पैदा कर रहा है क्योंकि ये जो चुनाव से 6 माह पूर्व ये जो कदम उठाया है मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। दिल्ली की जनता को तय करना है कि उन्हें रिपीट करना है आपको या नहीं लेकिन ये बड़ी परेशानी है और इसमें एक अच्छी बात है कि सारे लोग उनसे सीख ले तो अच्छी बात है और नहीं किसी के तो जनता है क्या वो इस पर वोट देती है नहीं देती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने बाकी सारे राज्यों के लिए समस्या पैदा कर दी है। जो तोहफा उन्होंने दिया है वो भी दिल्ली में उस तोहफे के बाद ये दिक्कत हर राज्य में हो गई है अन्य राज्यों को भी सीखना चाहिए। आज जनसदन में आप सब आए आपका शुक्रिया। नमस्कार।